देखो गोल्स व्यू ड्राइव और हमारे इंडिया के शोनी मल्ला शोनी मल्ला हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का कोई वैसे इतना है नहीं अपना कोई रूटीन, बट ये सोच रहे हैं कि जो आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि मतलब घास उगी हुई है बाहर इतनी सारी, तो सोच रहे हैं कि वो मशीन लेकर आएँ किसी से। तो पारस ने किसी के साथ बात की है कि मतलब उनके पास पड़ी हुई है मशीन, तो हम ये सोच रहे थे कि ले ही आएँ। अभी नहाना भी है यार, इतनी देर हो गई है नहाए नहीं, दो दिन हो गए एक्चुअली। कौन है ये दो दिन बाद नहाता है, नीचे कमेंट में बताना जरूर। हो सकता है आप दो दिन के लेट भी। ये देखो हम नई चेयर्स लेकर आए हैं, कॉकटेल चेयर्स। तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि मतलब जिन लोगों को कोई फर्नीचर की ज़रूरत नहीं होती तो वो अपने घर के बाहर ऐसे छोड़ देते हैं। पीछे थोड़ा इग्नोर करो, पीछे तो काफ़ी क्या कहते हैं खलारा पड़ा हुआ है पीछे इग्नोर करो। इधर भी सारी जगह तो मतलब गंदी मचो हमारे घर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिन लोगों को मतलब घर में कोई जगह चीज़ नहीं चाहिए, जैसे ये सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, या फिर ये इधर टीवी हो गया, उधर भी टीवी पड़ा हुआ है पीछे भी, तो अगर किसी का कुछ नहीं चाहिए तो वो ये करते हैं कि वो अपने घर के बाहर रख देते हैं ऐसे ही नॉर्मली। तो जिस किसी को भी ज़रूरत है वो उठाकर अपने घर ले आता है। तो ये जो कॉकटेल चेयर्स हैं हमने खरीदी गई हैं, हमने ऐसे ही किसी के घर से उठाई है। भाई गरीब बंदे हैं, क्या करें तो उठाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अभी किसी ने मतलब परसों ही हम गए थे बाहर सॉफ्टी खाने एक्चुअली, तो रास्ते में मतलब दिख गया तो हमने कहा उठा ले भाई मैं और पारस से। तो हमने कहते हैं एक एक चेयर पकड़ी और ले आए, घर के पास ही थी बिल्कुल, तो हम जाकर ले भी आए। दो मिनट पहले ना मैं थोड़ा सामान उठा लूँ, थोड़ी बैकग्राउंड अच्छी आएगी, और की बात नहीं है, फिर बात करते हैं। हाँ चलो फिर से ट्राई करते हैं। हाँ अब थोड़ा लग रहा है फिर भी साफ सुथरा पीछे ओह माय गॉड। तो आज टाइम हो गया है 6:05, टाइम दिख रहा होगा आपको शायद। पीछे मेरा ट्राइपॉड पड़ा है, टीवी पड़ा है, नीचे प्लेस्टेशन पड़ा हुआ है, और ये है सारे होम थिएटर वगैरह। सोफ़ा लेकर आया नया वो है, इतना ठीक है, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है बट नॉर्मल चलता है। आज हम जल्दी से, पारस भी रेडी हो रहा है। तो आज का क्या सीन है कि हम जा रहे हैं पारस के फ्रेंड के घर, वहाँ से हम लेकर आएंगे ग्रास कटिंग मशीन। तो ग्रास कटिंग मशीन लेकर तो जल्दी से हम बाहर वाला ग्रास जो है वो क्लियर कर देंगे। हो सकता है आज करें अगर टाइम हुआ तो, अगर नहीं तो फिर हम कल कर देंगे। तो अगर तो हो गया तो आपको इस व्लॉग में आएगा, अगर नहीं हुआ आज तो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। पारस से हाय। हेलो गाइस। तो निकले फिर जल्दी जल्दी, चलो चले। हाँ आज इनको भी दिखाएंगे ग्रास कटिंग कैसे करनी है। हाँ यहाँ पर जो भी लीज पे घर लेता है उनको खुद को ही घर के जो घास वगैरह है वो खुद काटना पड़ता है, जो ओनर है वो कुछ नहीं करवाता। तो लेट्स गो। हमारे जिम फ्रीक बहुत हैं। कष्ट नहीं सवा चला सवा पाया पारस ने शौक है ना, क्या चल रहा है अरे ना स्टेन वही करी गया। मैं कितनी दूर है गा, कितनी दूर मैं गा, कितनी दूर कुबर पैड़ी है तो बा बंदा ओ पाई लबन दी, ओ पाई टप के कुबर पैड़ी, कुबर पैड़ी चार पहाड़ियां टपती होनी भरावा 40 किलोमीटर च। उबर पैड़ी नहीं आया उहदा बंदा स्प्लैश स्प्लैश जिम यहां जाते हैं हम गाइस स्प्लैश में।
नो डाउट बहुत अच्छा जिम है, पता नहीं ये लिखा हुआ है इन्होंने, वाटर स्लाइड्स एंड पूल्स है यहाँ पे, जिमनेजियम, हेल्थ एंड वेलनेस, वो करवाते नहीं है बिल्कुल भी। लिखा लिखने को क्या है भाई, लिखते तो बहुत कुछ है, हमारे पैसा भी तो उतना लगता है ना फिर। नहीं नहीं स्टूडेंट कंसेशन है यहाँ पे, बकायदा हम स्टूडेंट नहीं है अभी यहाँ पे, कंसेशन फिर भी स्टूडेंट की ले रहे हैं हम। दो नंबर ही काम यहाँ के आके भी नहीं छोड़े, दो नंबर ही काम आदत है, इंडिया वाली रहनी है। सही बात है भाई, अभी कोबर पैडी होकर आया भाई, थोड़ा एक्सपीरियंस शो करो अपना, बताओ क्या सीन है वहाँ का। देखो वन टाइम एक्सपीरियंस है, जाना जरूर चाहिए कोबर पैडी। अच्छा जिनको नहीं पता कोबर पैडी कहाँ पे है, कोबर पैडी पड़ता है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, आउटबैक ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, जो एक रीजनल एरिया पड़ जाता है। तो आई थिंक यहाँ से जो एडिलेड है वो 7 घंटे की ड्राइव है, 7.5 घंटे की ड्राइव है एडिलेड की। हाँ। और एडिलेड से भी आगे 8 घंटे की ड्राइव है उसकी, उसकी आगे 8 घंटे हाँ। की ड्राइव है, मतलब कि यहाँ से 16 घंटे की ड्राइव, 15-16 घंटे लगा लो कि 2500 किलोमीटर था आई थिंक। सो गाइस ट्राइपॉड वगैरह नहीं है इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी शेक करे, रोड थोड़ी उबड़ खाबड़ थी यहाँ पे, तो जो भी है झेल लेना थोड़ा सा। हाँ भाई क्या करें, ये कि कोबर पैडी जाएं जरूर, वन टाइम एक्सपीरियंस है, माइनिंग चलो होती है वहाँ पे, सर्च जरूर करें, काफ़ी अच्छा है। और बस बस गाली पोल गई भाई, अगर आपको पंजाबी नहीं समझ आती तो नीचे कमेंट्स में बता देना, हम अगर से पूरी हिंदी में बना लेंगे, क्योंकि हम दोनों हैं वैसे पंजाब से, लेकिन हिंदी में इसलिए बनाते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, तो हो सकता है हमारे साथ रहते हमारे साथ रहेगा, थोड़ी बहुत ही आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली मेरे फ्रेंड्स हैं सारे पंजाब के ही हैं, आई थिंक एक दो हिंदी वाले हैं, बाकी सारे पंजाब के ही हैं बस। तो फिर भी हिंदी वाले क्या होते हैं, हिंदी वाले स्पेशल अलग से हिंदी वाले फ्रेंड है, हिंदी वाले माथे पे लिखा हुआ है हिंदी वाले फ्रेंड है, हिंदी वाले मतलब कि आउट ऑफ पंजाब है, भोजपुरी रहते हैं, भोजपुरी नहीं है वो तो बिहारी हो गए ना, हिंदी वाले नहीं हो गए। ओह माय गॉड भाई लड़कियां देख रहा है, गोटे गोटे का आउ गया था इतने लड़कियां देख रहा है। आगे से लेफ्ट गोल्फ व्यू ड्राइव करेगी बनी, मतलब काफी बड़ा है वैसे यहाँ मतलब। के नाम देखो गोल्फ व्यू ड्राइव, और हमारे इंडिया के शोनी मल्ला शोनी मल्ला बोरिया मल्ला ऐसे ऐसे नाम चक्री बाजार नहीं नहीं कोई गलती नहीं आ जाओ बाहर कोई नहीं। गाइस आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए व्लॉग्स में, और क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको कोई बेस्ट पार्ट लगा है व्लॉग्स का तो वो भी बता देना, अगर आपको कोई बुरा पार्ट लगा है तो वो भी बता देना, दैट्स ऑल फाइन, क्योंकि व्लॉग्स एक ऐसी चीज़ है मतलब कि स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं होती इसमें, सिर्फ जो नेचुरल है वही लाइफ नेचुरल है हमारी जो हम शो करते हैं। तो यहाँ पर आज पूरा दिन घर में बैठे थे और कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो घास ही काटते हैं, पूरा दिन तो सोए हैं मतलब 3-4 बजे उठे हैं, बाद में खाना वगैरह खाया है, तो बाद अब 6-6:30 बजे निकल आए हैं बाहर, तो पास अभी अंदर ही चला गया यार, इसको मैंने कहा था कि यहीं से मशीन लेकर निकला, अब अंदर चला गया, पता नहीं क्या सीन है इसका, लेट्स सी, इसकी वेट करनी पड़ेगी अब और क्या। यार एक तो टाइम बड़ा लग गया, मेरा भी नहीं हुआ वैसे तो, चलो आपको नेचर की स्ट्रिपिंग बताते हैं कैसे करते हैं, आपको ग्रास कैसे कट कट करनी है, काट देंगे पूरा काट देंगे, लेट्स गो। भाई हमारे ने स्टार्ट कर दिया है काम, तो लेट्स वेट एंड वॉच के आज की नेचर स्ट्रिपिंग कैसे होती है। इसको कहते हैं मेहनत, और मेहनत के बिना ऑस्ट्रेलिया में रहना पॉसिबल ही नहीं है। बेटे
सबसे मुश्किल काम ही ये है। बहुत मुश्किल है ये बेटे से हो नहीं रहा। मिशन सक्सेसफुल। भाई काम करना इजी नहीं है, काफी मुश्किल। वधिया भाई री सुनाओ। बाहुबली है हम, बाहुबली। अब मेरी बारी। तो कल की जो नेचर स्ट्रिपिंग थी ये चली अराउंड 10:30 के आसपास तक, 7:30 से लेकर 10:30 तक हमने काम किया। 10:30 बजे सारा काम ख़त्म हुआ और 10:30 बजे अराउंड हमने जो भी ग्रास वगैरह कट किया था उसको समेट के डिस्पोज किया। उसके बाद यार थक बहुत गए थे और साथ में व्लॉग को एंड करना मैं भूल गया था एक्चुअली। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक चलती चलती लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यह व्लॉग बनाने में चाहे स्क्रिप्टिंग नहीं होती लेकिन बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक मोमेंट को कैच करना पड़ता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज मोहित, यू आर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू।